हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे इतने दिन से ये योगेश और रोमा कहाँ गायब? कहाँ गायब हो गए दोनों के दोनों? हमारी जिंदगी झंड है, फिर भी हमें घमंड है। क्योंकि हमारे पास आप जैसे व्यूअर्स हैं। यस, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था। क्यों चल रहा था ये मैं आपको बता देता हूँ। हमारे कारीगरों की ईद की छुट्टी आ गई थी और तो 6-7 दिन लगातार उन्होंने छुट्टी करके हमारे को हालत टाइट हमारा घर हैंडओवर करने से डिले कर दिया। तो ठीक है, उनकी भी ईद थी, पर इतनी ज्यादा छुट्टी करना ईद पे गलत बात है। बिल्कुल, 2 दिन या 3 डेज ज्यादा से ज्यादा। हाँ, और मैक्सिमम लोग आ भी गए थे वापस। दिवाली तो हमारी भी होती है, हम भी मैक्सिमम 2 दिन की दिवाली होती है, तीसरे दिन गोवर्धन पूजा, बस चौथे दिन ऑफिस। तो ये लोग ना ईद के लिए पूरा हफ्ता छुट्टी चले जाते हैं। फिर जो परेशानी हुई है हमें, पीछे हम ही जानते हैं, हम बता नहीं सकते आपको कितने परेशान हुए, तभी हमारे ब्लॉग भी नहीं बन पाए। यस, इसलिए हम चाह रहे थे कि हम जरा आज आए बताएं कि क्या क्या परेशान हुए। धीरे धीरे घर बनने लग गया है, हैंडओवर की तादार पे है, और एक बार घर का हम पूरा आपको व्यू कराएंगे जैसे रामगढ़ का कराया। यस, तो अभी हम चलते हैं, फिर मिलते हैं दोबारा से। हाँ, लगा बिना जो जैसे चश्मे हमने किए, गाड़ी से निकलते ही चश्मे पे फॉग आगे दिखी नहीं रहा, और दिखी नहीं रहा कुछ। तो अभी हम अपने घर पे जा रहे हैं नोएडा वाले, और वहाँ जरा काम वाम सारा देख कर देन उसके बाद हम निकल रहे हैं ऑफिस। हो सकता है मीटिंग में निकल जाए, ऑफिस भी ना जाए, क्या बोलते हो गे? हाँ, क्योंकि हमारा तो सेल्फ एम्प्लॉयड का कोई भरोसा नहीं होता ना। बाकी पहले घर देख लें कितना बन गया है, फिर देखते हैं। चलो देखते हैं फिर। यहाँ देखो कितना पानी भर गया है। हाँ तो रोमा, सुबह से 3-4 घंटे से बारिश हो रही है तो पानी भी नहीं भरेगा। पर यहाँ योगेश, जिस हिसाब से ड्रेनेज सिस्टम है ना, इमीडिएट मेंटेनेंस पीपल सारा कर रहे हैं फटाफट से। हाँ तो ठीक है ना, ये मेंटेनेंस वालों को करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो रेजिडेंशियल पे चढ़ जाएंगे उनके। हाँ, पर हमारे पार्किंग में नहीं भरा पानी वाली, डबल बेसमेंट सिंगल बेसमेंट कहीं नहीं आया, कहीं नहीं। पर योगेश आज बहुत मजा आया। हाँ, आज सुबह बारिश में घूमे। वो वीडियो हम बनाते हैं मगर बारिश इतनी तेज थी कि हमारे पास वो वाटरप्रूफ कैमरा नहीं है ना, इसलिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग सारे काम वहां के निपटा के घर के हम निकल पड़े हैं और काम करने। अभी कुछ थोड़ा सा फर्नीचर का देखना है हमें घर का, जो हम कल देख के आए थे उसे आज फाइनल करके डिलीवरी करानी है। हाँ। और साथ में हमें और भी 2-3 काम है, तो हम वो भी निपटाते हुए तब फिर शाम को वापस आएंगे। और बारिश भी हो रही है ना, तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जो काम 10 बजे होना था वो 12 बजे हो रहा है, जो 11 बजे का टाइम दे रखा है वो 1-1 बजे कॉल कर रहे हैं। तो हमारा बहुत सारा सामान आना था घर पे, तो उसके लिए हम परेशान हो रखे हैं इसी वजह से कि इतना डिले हो रहा है, इतना डिले। फिर भी कारपेंटर वगैरह आके उन्होंने काम हैंडओवर लिया दोबारा से। मुझे तो लगा था आज कोई नहीं आने वाला काम के लिए, छुट्टी मार देंगे, पर पेंटर छुट्टी कर गया, कारपेंटर बेचारे सब लड़के आ गए, उन्होंने काम फटाफट शुरू किया। नहीं, अच्छा हुआ पेंटर आज छुट्टी कर गया, नहीं तो वो काम नहीं कर पाता। यस, फायदा भी नहीं होता और अननेसेसरी अपना 2-2 लेबर इकट्ठी हो जाती और वो भसड़ मच जाती है ना। ये तो है। चलो दोस्तों, चलो आपको एक हमारे जो हमने 5-7 दिन ब्लॉग नहीं बनाया उसके बारे में बताते हैं। जब हमने नोएडा का बनाया था उसके बाद हम लोग 5-7 दिन इतने बिजी रहे, रोमा की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर से दोबारा से मेरी भी आँख की प्रॉब्लम आप लोगों को पता ही है चल रही है, तो ये लाइफ है योगेश, चलती रहती है। काफ़ी इन्फेक्शन हो गया था रोमा को, वो कहने वाली बात है कि लाइफ है। और फिर उससे पहले छोटे वाली बेटी की देवर की शादी थी, तो वो सैबी भी की, आप लोग मिले हुए हैं सैबी से, उसकी भी शादी हो गई उसकी शादी भी हो गई और वो हनीमून मना के वापस भी आ गया। तो हम बहुत बिजी हो रखा था शेड्यूल इन्हीं वजह से। वो कहाँ गया था हनीमून मनाने? मॉरिशियस गया था। करेक्ट, तो वो भी आ गया है। अब
थोड़ा घर का सेटल डाउन हो जाए हमारा, हम लोग शिफ्ट हो जाए, फिर घर का आपको पूरा टूर कराऊंगी, कैसा बना है, आप लोगों के व्यू लेंगे, आप लोग बताइएगा। ओहो रुमा, तू तो ये बोल रही है, एक बारी सामने व्यू दिखा दे कि क्या बादल आए हुए हैं नीचे, देखते हैं। दोस्तों बारिश के बाद का सीन और बादलों में हम लोग चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों में ड्राइव कर रहे हैं। सच में मजा आ गया। ये तो टीन टावर में हमेशा आपको बोलते हैं ना योगेश, ऐसे लगता है रावण मेघनाथ कुंभकर्ण ये टीन टावर में हमेशा इमेजिन दिमाग में आता है कि ये रावण मेघनाथ कुंभकर्ण है, पर योगेश वेदर इतना अच्छा हो गया, पर अच्छा, आज अच्छा। मजा आ गया। सुबह जो बारिश में हम लोग दोनों नहाए है ना, हा 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 हा, बिल्कुल देरी नहीं, जैसे लग रहा था छोटे बच्चे होते ना वो गए बारिश में नहाने, पूछ के मम्मी हम जाए नीचे बारिश में नहाने जोई को पूछ के गए थे। हाँ जोई को हमने बोला, क्योंकि जोई भी हो गया था ना, भीग गया था, उसको सुबह वॉक के ले गए थे तो बारिश तेज हो गई, बेचारा भीग गया बारिश में, आज दिन भर सोएगा। बिल्कुल आज सोएगा, आज ऐसा सोएगा वो पसड़ के, बस पूछो मत। खाना भी नहीं खाया अभी तक उसने, खा लेगा वो तो, तुम दे आई हो उसको खाना तो खा लेगा वो, सारा दिन दोस्तों घर पे अकेला रहता है, क्या करे, और मस्ती मारता रहता है हमें, बाद में आके परेशान इतना करता है कि तुम लोग मेरे को अकेला छोड़ के क्यों गए थे। कोई बात नहीं, उसकी भी बहुत अच्छी लाइफ है, भगवान ने चाहा बस घर शिफ्ट हो जाए ना तो उसको भी पूरा घर अच्छी तरह घूमने के मिल जाए। बिल्कुल वो अच्छा घर मिल जाए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट। हम लोग फ्रेंड्स अपनी मीटिंग फिनिश करके निकले थे और इतनी तेज बारिश अगेन, और दोबारा से इतनी तेज बारिश, मतलब जो हालत बुरी है। तो योगेश मुझे नहीं लगता हम अब कहीं जा पाएंगे, तो भैया अब सीधा चलो। हाँ। और फिर चलते हैं आगे, घर को निकलेंगे क्योंकि इस बारिश में ना काम हो पाएगा कुछ नहीं, कुछ ना नहीं, कोई अपॉइंटमेंट फिक्स होगी, और अगर होगी तो कुछ भी नहीं होगा, वापसी चलते हैं। और भीग भी गए हैं ऑलरेडी हम लोग, क्योंकि निकले थे तो बारिश में भीग गए। मैंने भी चोटी बना ली है भीगने से। अच्छी बनी है ना, देखो कितने स्मार्ट लग रहे हो, हैंडसम। क्या पता आप? और क्या, देखो मेरी नजरों से देखो आप कितने सुंदर लग रहे हो। पता नहीं, एक दिन कहती है तुम्हारे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है तो मैंने तो यही कह दिया था, शुरुआत तो तुमने ही करी थी बनाने में। तो ऐसे ही होता है, अब इस एज में यही बोला जाता है, और क्या होता है। तो दोस्तों ये ब्लॉग को यहाँ एंड करने से पहले हम आपको ये कहते हैं कि आप लोग चाय पकौड़े बनाएं, हम आपको तब तक चाय पकौड़ों के साथ मिलते हैं और ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आप लोगों को ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल योगेश भाटिया।